एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे एक मेरे पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं आपके यहाँ से सर्जरी क्यों करवाऊँ। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन भाई। यदि कोई मेरे पास हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आ रहा है, वो मेरे यहाँ से क्यों करवाए, मतलब क्या क्वालिटी है, या उसको कैसे जज करना चाहिए कि उसको कहाँ से ट्रांसप्लांट कराना है। सो मैं इन जनरल आपको एक नॉलेज देना चाहता हूँ, एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि हेयर ट्रांसप्लांट जब आप करवाने के लिए जाए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो मेन डॉक्टर है उसका कितना रोल है सर्जरी में, और उसके असिस्टेंट्स का कितना रोल है, उसके जो असिस्टेंट्स है वो कितने क्वालिफाइड है, कितने टाइम से काम कर रहे हैं, जो मेन सर्जन है वो कितना क्वालिफाइड है, उसने कितनी सर्जरीज की है, और उसने कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी किया हुआ है। कॉम्प्लिकेटेड केसेस से मतलब ये है, आज की डेट में हमारे पास नॉर्मल पेशेंट्स तो आते ही है, वो भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने एक बार या दो बार गलत जगह से ट्रांसप्लांट करवा लिया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, और इसके बाद उन्हें उनको करेक्ट करवाना पड़ रहा है। तो करेक्टिव केसेस वही डॉक्टर अच्छे से कर सकता है जिसको काफी एक्सपीरियंस है, जिसको पता है एक एक चीज हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। सो ऐसे उनकी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपने करेक्टिव कितने करे हुए हैं। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि यदि वो डॉक्टर करेक्टिव को कर सकता है तो नॉर्मल केस तो इसके लिए बाएं हाथ का काम है। मेन सर्जन का काम कितना है, उसके टेक्नीशियंस, इसकी जो हेल्पिंग टीम है वो कितनी क्वालिफाइड है, प्लस वो किस क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोकल मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट से कभी भी वो फाइननेस नहीं आ सकती जो एक हाई क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट से आएगी। हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट इंश्योर करता है कि जहां से बाल निकाले गए हैं वो बालों में इस जगह पे डोनर एरिया में बहुत ज्यादा गैप्स ना बने, रूट्स डैमेज ना हो, स्कैरिंग ना हो, और जहां पे बाल लगाया गया है वो भी इतना फाइनली लगे कि यदि आप बालों को छोटा भी रखते हैं या बैल भी होते तो वहां पे ट्रांसप्लांट होने के निशान या गड्ढे ना पड़े। सो फ्रेंड समराइज में फिर से कर देता हूँ, पहली चीज है कि डॉक्टर कितने क्वालिफाइड है, उसने कितना काम किया हुआ है, उनके असिस्टेंट्स, उनकी जो टीम है वो कितनी क्वालिफाइड है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी क्या क्वालिटी है। तो यदि आप ये तीनों चीजें ध्यान में रखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि ये जो सेंटर है, जिस भी सेंटर पे आप गए हैं वहां पे आपने सर्जरी करानी कि नहीं करानी है। प्राइसिंग का डेफिनेटली एक इसमें रोल आता है, हो सकता है किसी की प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो, किसी की बहुत कम हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि प्राइसिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और मैनी टाइम्स प्राइसिंग और क्वालिटी का बैलेंस हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सेम क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा प्राइस दे रहे हो और बहुत कम प्राइस पे आपको सेम क्वालिटी मिल जाए, ये भी नहीं हो सकता। तो दोनों चीजें ना बहुत बैलेंस में रखनी पड़ती है। आई थिंक अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर चूज करना है, डॉक्टर चूज करना है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज नहीं है कि आप बार बार करा लेंगे, ये एक बहुत ही आर्टिस्टिक वाला वर्क है, इसमें बहुत सारी बारीकियां है। तो जितना आप पूछताछ कर सकते हैं करिए, रिजल्ट्स देखिए, अलग अलग पेशेंट्स की प्रोफाइल चेक कीजिए, उनके पेशेंट्स से बात भी करिए, उसके कि हमें नंबर दीजिए, हम आपके कुछ पेशेंट से बात भी करना चाहते हैं। तो जब आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे तो जो जेन्यू सेंटर है वो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करेगा। मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि जी सर एक सेंटर पे तो इस रेट में हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पे हो रहा है, जस्ट आप इसकी प्रोफाइल खोलिए, इस डॉक्टर की क्वालिफिकेशन मेरी क्वालिफिकेशन के साथ आप मैच कर लीजिए, उन्होंने कितने डिफिकल्ट केसेस पे काम किया है वो आप मैच कर लीजिए। जब आप इस तरह की अपने आप से स्टडी कर लेंगे तब आपको बहुत आसान हो जाएगा अच्छे क्लिनिक को चूज करने में। आई होप ये जो टिप्स है आपकी बहुत हेल्प करेंगी। मैं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मालाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।